News 18, India. यूं तो उत्तराखंड में बीते कई दिनों से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन बीते दिन मलिक के बगीचे स्थित अवैध मदरसा और मस्जिद को ढाने जब नगर निगम और हल्द्वानी पुलिस पहुंची तो वहां पर भारी भीड़ एकत्रित थी। विशेष समुदाय की ये भीड़ शुरू से नोकझोंक कर रही थी, लेकिन इंतजार उस वक्त का था जब उन्हें ये पता चले कि आखिर इतनी पुलिस और प्रशासनिक अमला क्यों आया है। जैसे ही उनको ये जानकारी मिली कि अवैध मदरसा और मस्जिद को उठाए जाने की प्रक्रिया है, उसके बाद लगातार पुलिस वालों से तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिसके बाद हल्द्वानी में जमकर तांडव फैला। मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो गवाही इस बात की है कि कैसे उत्तराखंड के बड़े शहर हल्द्वानी में बीते दिन जमकर उत्पात मचाया गया। न सिर्फ कई जगह आगजनी की गई बल्कि सैकड़ों गाड़ियों को में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से पूरा हल्द्वानी आज बंद है। हल्द्वानी शहर में आज कर्फ्यू लगाया गया है। 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, 2 कंपनी पीएससी के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस के तमाम जवान जो कई और जिले के हैं वो यहां पर मुस्तैद किए गए हैं। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश है, जिसकी वजह से आज भले ही सड़कें सूनी पड़ी हों लेकिन बीते दिन जो घटना हुई है उसने तमाम सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर कैसे इंटेलिजेंस को इस बात की भनक तक न लगी कि इन लोगों की तैयारियां बेहद बड़े स्तर पर है। सूत्रों का ये दावा है जिस तरीके से पुलिसकर्मी भारी मात्रा में घायल हुए हैं, ऐसे में ये आनन-फानन में की गई कार्रवाई नहीं थी, बाकायदा इसको लेकर पहले से प्लानिंग की गई। कई पुलिसकर्मियों के बाइट आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो घायल पुलिसकर्मी हैं वो भी लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि जिस तरीके से हमला किया गया पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज लगता है, लोग पहले से तैयार थे। हालांकि पुलिस इसको लेकर तैयार नहीं थी, उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इन सकरी सड़कों से इस तरीके का पथराव शुरू हो जाएगा। और तो और जिस पुलिस पर लोगों की रक्षा का काम है उनको अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। एक पुलिसकर्मी लगातार बार बार अपनी वीडियो बाइट में ये कह रही है कि घर के अंदर जब वो घुस गए तो बाहर से पूरे घर में आग लगाने की कोशिश की गई। ये दिखाता है कि बीते कई दिनों से स्थानीय लोगों ने तैयारी कर रखी थी कि जब पुलिस और प्रशासनिक अमला आएगा तो वो हमला करेंगे, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पूरी तरीके से फेल रहा। तमाम बड़े अधिकारी जो लगातार यूसीसी के लागू होने पर अपने दमखम ठोक रहे थे, कल उनकी व्यवस्था कुछ इस तरीके से नजर आई जब थाने में आग लगा दी गई और थाने को चारों तरफ से घेर लिया गया। बहरहाल बीते कई दिनों से पूरे उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये वो इलाका है जहां को लेकर हमेशा पुलिस ये कहती रही है कि ये बेहद संवेदनशील इलाका है। उसके बावजूद स्थानीय पुलिस को इस बात का आइडिया नहीं लगा कि इस लेवल पर शरारती तत्वों ने तैयारी कर रखी है कि न सिर्फ पत्थर बल्कि पेट्रोल बम और अवैध कट्टों से फायरिंग भी की गई, पूरे इलाके को आग लगा दी गई। हालांकि आज हल्द्वानी पूरी तरीके से जाम है, लेकिन इस हिंसा में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 250 के आसपास लोग घायल हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस उत्तराखंड पुलिस पर लोगों की सुरक्षा का दारोमदार है वो पुलिस कल स्वयं दया की भीख मांगती नजर आई। कई पुलिसकर्मी वीडियोज में रोते हुए नजर आए और अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुष्कर सिंह धामी जिस कानून व्यवस्था की बात करते थे वो हल्द्वानी में कहां चली गई। मामला इतना संवेदनशील होने के बावजूद मौके पर बड़े अधिकारी क्यों नहीं थे, भारी फोर्स क्यों नहीं था, और जब ऐसी कार्रवाई की शुरुआत की गई तो उस वक्त इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा था कि इस बड़े लेवल पर अवैध आक्रमणकारियों ने शरारती तत्वों ने तैयारी कर ली, लेकिन इनको जानकारी तक नहीं थी।